हैदराबाद के कनौदी में संकल्प इमरजेंसी हॉस्पिटल प्रणाली का शुभारंभ हुआ। इस निजी अस्पताल का शुभारंभ जहानाबाद जिला परिषद भाग एक के नव निर्वाचित सदस्य अभिषेक रंजन उर्फ सोनू फीता काटकर किया। बतौर मुख्य अतिथि अभिषेक रंजन जी कहा कि समाज परिवार में बेहतर सेवा करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आज इस शहर में कनौदी स्वास्थ्य केंद्रों का हब बनते जा रहा है। हम आशा करते हैं कि संकल्प इमरजेंसी अस्पताल के माध्यम से हम सभी लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा उपलब्ध करा सके। आज संकल्प इमरजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन के लिए मैं पहुँचा था। ये हॉस्पिटल भाई सौरभ जी का प्रबंधक हॉस्पिटल के ही हैं। भाई सौरभ जी, इन्होंने मुझे निमंत्रित किया था। बहुत ही हर्ष की बात है, चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ एक तरफ कनौदी में हॉस्पिटल का हब बनता जा रहा है, लगातार हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, उसमें एक और इनका बढ़िया सहयोग चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल का आज ओपनिंग करवाएँ और खुला है हॉस्पिटल। आशा करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों की सुविधाएँ बढ़ेंगी एक और हॉस्पिटल के ओपनिंग होने के बाद। वहीं अतिथि के तौर पर उपस्थित संस्थान के देखरेख करने वाले जिले के जाने माने शिक्षाविद नेता अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि हम न्यूनतम दर पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक बेहतरीन निजी अस्पताल के खुलने से जहानाबाद वासियों को अब पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं त्वरित सेवा से स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा का लाभ मिल पाएगा। आज जहानाबाद में स्वास्थ्य का जो गिरता हुआ स्तर रहा था पूर्व के दिनों में, आज हम लोग उस प्रयास में हम लोग सफल हो रहे हैं। और हमारे बीच में युवा भाई सोनू जी हमारे जिला परिषद मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे इस अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया है। और इस आशा के साथ हम लोग बेहतर सेवा देने का कोशिश करेंगे कि जहानाबाद में स्वास्थ्य में जितना बेहतर से बेहतर हो सके उतना बेहतर मैं सेवा दूंगा। धन्यवाद। इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि संकल्प इमरजेंसी अस्पताल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध है। यहां लगभग सभी तरह के उपचार और ऑपरेशन हेतु डॉक्टर और नर्स हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जी, हम आराधना संकल्प इमरजेंसी के डायरेक्टर सौरभ कुमार। यहाँ ICU, NICU, जनरल वार्ड, आर्थो, डेंटल, आई का भी ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ गरीब लोगों की बहुत से बहुत कम और चीफ में इलाज किया जाएगा। दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर ये हॉस्पिटल संकल्प इमरजेंसी हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है, जिसमें अतिथि में सोनू जी, जिला परिषद, साथ में अशोक प्रियदर्शी जी और अन्य लोग शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्य सोनू जी, अतिथि शिक्षाविद नेता अशोक कुमार प्रियदर्शी, अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सौरभ कुमार, शुभम राज, श्रीनिवास सिंह, दीपक दांगी सहित अनेकों लोग मौजूद थे।